हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नवाज शरीफ केसेस का सामना करने के लिए तैयार, एहतसाब अदालत में पेशी के लिए बिलाखिर वतन लौट आए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर लीगी कारकुनान का शानदार इस्तकबाल, काफले के हमरा पंजाब हाउस मुंतकिल। नवाज शरीफ कल एहतसाब अदालत में पेश होंगे। नैब रावलपिंडी की टीम ने अदालती समन की तामील करा दी। अब उसूली फैसले करने का वक्त आ गया, जिसका इतलाक मुस्तमेद सब पर होगा। हर एक शख्स को पार्टी फैसलों की पाबंदी करना होगी। नवाज शरीफ की गैर रस्मी मशावरती इजलास में गुफ्तगू, कहा हमने तसादुम की राह अख्तियार नहीं की, उसूलों पर खड़े हैं, देखते हैं कौन हटाता है। नून लीग का बाजाबता मशावरती इजलास 2 बजे होगा। कीमोथेरेपी मेरी वाइफ की चल रही है और उस कीमोथेरेपी अभी चल रही जारी है और मैं उठकर उसमें से आ गया हूँ एक बोगस केस भुगतने के लिए। क्यों हर 10 साल के बाद मैं मुल्क छोड़ दूं भाई? क्यों मुल्क छोड़ दूं? और मैं इस वक्त क्यों मुल्क छोड़ दूं? आखिर मैंने क्या किया है? बोगस केस भुगतने जा रहा हूँ, बताया जाए कहाँ करप्शन हुई, कौन सा खजाना लूटा। नवाज शरीफ का लंदन में सवाल, कहा दयानतदारी से 4 साल हुकूमत की, क्यों हर 10 साल बाद मुल्क छोड़ना पड़े, ये कहां की जमहूरियत है। नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत का सामना कर रहे हैं। 300 अरब की कौमी दौलत भी बैरून मुल्क छुपाई, वजीर आजम कैसे नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दे सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सवाल, कहा आवाम के पैसे पर नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देना शर्मनाक है। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार, असासाजात रेफरेंस पर समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। शर्जील मेमन सिंध असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। जेल से बख्तरबंद गाड़ी में असेंबली लाया गया। शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस चल रहे हैं लेकिन नाम ECL में नहीं डाला जा रहा। नैब का पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ दोहरा मयार है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। एक शख्स आया मेरे सामने जिसके हाथ में कुरान शरीफ था, मैं तो उसको नहीं जानती थी वो कौन है। I didn't know who he was. I'd never seen him before. हम सब बैठ गए, मुझे पता पड़ा ये उजैर है, उसकी वाइफ भी थी इसी में उजैर। हमने कहा अच्छा भी आप उजैर होंगे। फरियाल तालपुर ने उजैर बलोच को पहचानने से इनकार कर दिया, कहा उजैर बलोच से तकरीब में मुलाकात हुई, मालूम नहीं था वो कौन है। प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने वो हार मान लेती है। MQM पाकिस्तान को 5 नवंबर को कराची में जलसे की इजाजत मिल गई। जलसा मजार कायद के बजाय लियाकताबाद में किया जाएगा। तर्जुमान का कहना है लियाकताबाद में जगह का तयन आज किया जाएगा। पंजाब भर में स्मोक का राज बरकरार, शहरियों का दिन और रात के औकात में घरों से निकलना महाल। सरकारी अस्पतालों में मरीज बढ़ने लगे, दमे के मरीजों को खास एहतियात की हिदायत। मिशाल खान कत्ल केस की समाअत आज होगी। मजीद 3 गवाह इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में बयान कलमबंद कराएंगे।